पब्लिक टीवी आपकी आवाज। समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के प्रदेश सचिव हाजी इफ्तखार अली ने पब्लिक टीवी से वार्ता करते हुए सपा की साइकिल रैली पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समाजवादी के जनक स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र के जन्मदिन के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में साइकिल रैली निकालकर वर्तमान प्रदेश सरकार के खिलाफ अपना विरोध जाहिर करेगी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हाजी इफ्तखार अली ने बताया कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, पुलिस के उत्पीड़न आदि को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से मुरादाबाद में एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो सुबह शुरू होकर पूरे शहर में होगी और कार्यालय पर संपन्न होगी। साइकिल रैली निकालने का प्रोग्राम है। स्वर्गीय श्री जानेश्वर मिश्र जी की जन्मदिन के अवसर पर कल साइकिल रैली का निकालने का प्रोग्राम किया गया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी के आह्वान पर ये प्रोग्राम, ये साइकिल रैली निकलेगी और जो मौजूदा सरकार है उसकी गलत नीतियाँ, भ्रष्टाचार, किसानों पर अत्याचार, किसानों के काले कानून और इसके विपरीत में इस साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। आगामी चुनाव में हम पूरी उम्मीद किए हुए हैं, हर एक कार्यकर्ता और जनता का पूरा रुझान माननीय अखिलेश जी को 2022 में मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इस भ्रष्टाचारी सरकार, अत्याचारी सरकार, किसानों पर कानून, काले कानून लादने वाली सरकार, नौजवानों को बेरोजगारी में धकेलने वाली सरकार, काले कानून लाने वाली सरकार, झूठा प्रचार करने वाली सरकार के बारे में क्या बोला जा सकता है। ये रैली मुरादाबाद कोहिनूर किराए से प्रारंभ होकर दसराय होती हुई, गल सईद होती हुई, इंदिरा चौक होती हुई जमा मस्जिद पहुंचेगी। जमा मस्जिद से गवर्नमेंट कॉलेज होते हुई, मंडी चौक होते हुई इसका समापन पार्टी कार्यालय पर होगा। मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि समाजवादी पार्टियों को की नीतियों से, समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जुड़ें और एक अच्छी सरकार माननीय श्री अखिलेश जी की 2022 में पूर्ण बहुमत से बनाएं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।